Uncle. राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित योगेश गढ़वी के सम्मान में एक शाम गुजरात के केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला मुंबई पहुंचे। हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए योगेश गढ़वी के सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में गुजरात राज्य के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला पहुँचे। इस कार्यक्रम का आयोजन गणेश नायडू द्वारा किया गया था। गुजराती समाज के कई दिग्गज और समाज प्रेमी योगेश गढ़वी को शुभेच्छा देने के लिए पहुंचे। यह सम्मान साहित्य और संगीत की उस परंपरा को जीवित रखने के लिए मिला जो कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहा है। इस खास मौके पर अपनी पुरानी संस्कृति को एक बार फिर उजागर करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला, चेतन भानुशाली, नरेंद्र जैन सहित कई दिग्गज पहुँचे। चर्चित धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नटू काका, बागा, बावरी सहित कई फिल्मी हस्तियां भी पहुंची थी। आयोजक गणेश नायडू और अनिल तोलिया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। लास्ट 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल में राष्ट्रपति जी ने मेरा गुजराती लोक संगीत में जो मेरा प्रदान है उनके बारे में मुझे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया। बड़े गर्व की बात है हमारे गुजरात के लिए, क्योंकि लोक संगीत और गुजरात ये दोनों चीज़ें ऐसे आपस में जुड़ी हुई है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण गोकुल में पैदा हुए, मथुरा में रहे, गोकुल में रहे, मगर उनको शांति मिली और रहने का अगर कहीं पसंद किया तो वो द्वारिका। गुजरात की ये लोक संगीत की परंपरा, लोक नृत्य की परंपरा बहुत पुरानी है। आज आप जिस ढंग से कहते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री मुरबी पुरुषोत्तम रूपाला साहब, वो भी बड़े फोक के, लोक संगीत के, लोक मानस के बहुत अभ्यस्त हैं। तो उसने वही बताया कि भाई अपनी जो चीज़ें हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो अच्छी तरह से, तो आपके हाथ में सर्कल बनाने के लिए पहले तो फर्स्ट है वो सिलेक्ट वन सेंटर पॉइंट। अगर आपके पास सेंटर पॉइंट ही नहीं है तो सर्कल कैसे बनाएंगे। हमें टेंशन ये है कि गुजरात की अगर लोक संगीत की बात की जाए, गुजराती लिटरेचर की बात की जाए, गुजराती मदरतंग के बारे में अगर सोचा जाए, मैं रूपाला साहब और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि सेंटर पॉइंट से थोड़े हम दूर हट गए। तो हम आज जो हमारी चिंता थी और आज हम कहते थे कि सेंटर पॉइंट से दूर हटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम बहुत पावरफुल हैं और गुजराती भाषा को लेके, गुजराती गानों के को लेके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैं मुंबई जैसा महानगर और विश्व के बहुत से महानगर को मैं देख चुका हूँ। महानगरों में यही हालत होती है, लोगों के पास वक्त नहीं होता है। और तो भी अगर आप सोचो तो USA में आप न्यूयॉर्क में चले जाओ तो भी वहाँ सैटरडे संडे को लोगों के पास टाइम होता ही, ऐसी कोई बात ही नहीं, वक्त नहीं है ऐसी भी बात नहीं। मगर मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो सही मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ दो धारा है,
आर्ट की जब बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो दो वर्ग हैं हमारे पास। एक वर्ग है वो लिटरेचर की, फोक सिंगिंग की, फोक स्टोरी की, उनकी चिंता करके उनमें प्रदान करता है, वो पैसे के लिए नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनको देख लेते हैं, वो सोचता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, दो पांच उसने गाने गा लिए, लोग बड़े खुश हो गए, सम्मा बंद गई, ये हुआ वो हुआ। दूसरे दिन पांच लोग ऐसे निकल जाते हैं जिसके पास कुछ नहीं है। ये लोग इनको प्रोफेशनल बनाते हैं। तो प्रोफेशनल में क्या होता है, एक बार दो बार तीन बार फिर उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो फिर लोग इसको छोड़ के वो लोग ढूंढते हैं कहाँ मजा है। मैं ऐसा अवश्य मानता हूँ, हमारे गुजरात के लोग या तो भारतवर्ष के लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको भारतवर्ष की चीजें नहीं पसंद, मगर वो लोगों को सही जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग कहीं भटक रहे हैं। तो उनको भटके हुए से बचाने के लिए मैं समझता हूँ गणेश नायडू जी और हमारे अनिल टोलिया जी और काफी लोगों ने मिलकर जो ये किया, आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल प्रोफेशनल प्रोग्राम नहीं था। यहाँ कोई टिकट वाला खेल नहीं था, यहाँ कोई स्क्रिप्ट वाला खेल नहीं था, यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि ये पांच आर्टिस्ट है पांच लोग नहीं है, यहाँ एक सबका एक मिलके प्रोग्राम था। तो ये उत्सव तभी बनता है जब सब मिलते हैं। तो आज जैसे रूपला जी ने बोला कि बड़ी आभार हमको मानना चाहिए बैठने वालों का कि इतने घंटों तक लोग बैठे रहते हैं, ये बड़ी बात है। अगर सही प्रोग्राम मिले, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूज्य मुरारी बापू की रामकथा में लोग नौ दिन बैठते हैं, अगर नौ दिन का मुंबई वालों के पास समय नहीं है तो बापू की कथाएं क्यों चलती है भाई। बापू की कथा राम कथा है, वो तो कोई डीजे नहीं है, वहाँ तो कोई हिंदी गानों की बात नहीं है, वहाँ कोई फिल्म स्टाइल नहीं है, बिल्कुल रामधुन के साथ चल होती है, मंगलाचरण के साथ होती है, मगर वो सच्चा सोना है। तो अगर सही बात दी जाए तो लोग पसंद करेंगे।